दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों दिलीप कुमार साहब चले गए, 98 वर्ष की उम्र मिली। कुछ और समय रहते तो शतक पूरा करते। उन्होंने एक शानदार जिंदगी ही केवल नहीं पाई बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो काम किए वो भी शानदार। और मैं सिर्फ अभिनय की बात नहीं करता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ट्रेजेडी किंग थे, बहुत महान कलाकार थे। बिल्कुल महान कलाकार थे, महान अभिनेता थे, लेकिन ट्रेजेडी किंग वाला जो उनके लिए विशेषण है वो कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि वो हर रोल में, हर भूमिका में, जब जहाँ भी जैसी भूमिका उन्होंने ली और पाई, अपनी पसंद से भूमिकाएँ तय करते थे। खासकर बात के दिलों में उन्होंने उसे बखूबी निभाया। तो वो कितने महान कलाकार थे इस पर हम कमेंट आज नहीं करने जा रहे हैं। ये सिनेमा के जो विशेषज्ञ हैं, फिल्म विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे, लिखेंगे और बोलेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने उनको एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में देखा। मैं संसद को कवर करने वाला एक जर्नलिस्ट था उन दिनों, और उनको मैंने एक राज्यसभा MP के तौर पर बहुत नज़दीक से देखा, अपने बगल से गुजरते हुए कई बार, सेंट्रल हॉल के आसपास से गलियारे की तरफ निकलते हुए कई बार, जो पार्लियामेंट का, राज्यसभा का मुख्य चैम्बर है उसमें घुसते हुए, वहाँ से किसी मोशन पर हुई बहस के बाद निकलते हुए। हम आज इन विषयों पर बात करेंगे। दिलीप कुमार साहब के बगैर भारत का फिल्म जगत होगा, इस एहसास को, इस अनुभूति को अगर आप शिद्दत से महसूस कीजिए तो समझ में आएगा कि दिलीप कुमार साहब क्या थे। लेकिन मैं आज आपको पार्लियामेंटेरियन दिलीप कुमार के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि भारत के राज्यसभा में, लोकसभा में भी बहुत सारे लोग, जो मुंबई में, जो पहले बंबई कहलाता था, वहाँ से बहुत सारे लोग, जो पॉपुलरिटी जिनको जनता में मिली, उनको विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपने को पॉपुलर करने के लिए उनको सदन में लाती रहीं। लेकिन कई बार खेल के लोग आते थे, कई बार अभिनय के लोग आते थे, कई बार कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग आते थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब का आना सदन को भी एक गरिमा प्रदान करता था। कई बड़े बड़े अभिनेता आए, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन उन्होंने सदन में कभी कुछ बोला ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे आए जो रत्न हैं देश के, लेकिन उन्होंने कुछ खास बोला ही नहीं। एक ने तो बिल्कुल ही नहीं बोला, लेकिन दिलीप कुमार साहब जो संसद में अपने सही नाम, असल नाम, वास्तविक नाम यूसुफ सरवर खान, यूसुफ सरवर खान उर्फ दिलीप कुमार, ये उनका ऑफिशियल नाम संसद भवन में दर्ज है, वो जब आए तो जब वो नहीं भी बोलते थे और सदन में बैठते थे तो ऐसा एहसास होता था कि सचमुच एक अलग ढंग का व्यक्ति, एक अलग शख्सियत सदन में हाजिर है। 11 बजे आ जाना सदन में, और इतने उम्र के बावजूद, सन 2000 में आए थे वो, इतनी उम्र के बावजूद, यानी आज से महज 20 साल पहले, लेकिन वो लगातार बैठे रहते थे, हर गंभीर भाषण को उससे ज्यादा गंभीरता से सुनते थे। वो एक महान श्रोता थे, आजकल लोग श्रोता नहीं हो पाते, और जब वो बोलते थे तो पूरा सदन खामोश होकर उनको सुनता था, क्योंकि वो लफाजी नहीं करते थे। उनके पास शब्दों की शक्ति थी, उनके पास सच्चाई की शक्ति थी, उनके पास जनता के प्रति कमिटमेंट की शक्ति थी। और मैंने दिलीप कुमार को अभिनेता के रूप में देखा था पर्दे पर, अपने छात्र जीवन में, अपने युवा दिनों में। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कभी परिचय नहीं हुआ, खासकर पार्लियामेंट में आने से पहले। मैं जानता भी नहीं था कि निजी जीवन में वो कैसे हैं, क्या हैं, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा, सिर्फ मैं एक महान अभिनेता के रूप में जानता था। लेकिन दिलीप कुमार साहब को जब मैंने सदन में बोलते हुए देखा, जब उनको बैठे हुए देखा, लगता था कि एक ऐसा अनुशासन जीवन में है, एक ऐसी गरिमा है उनकी शख्सियत में, सदन से बाहर निकलते समय भी वो गरिमा दिखाई पड़ती थी। उनको बाबा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला,
पाकिस्तान ने उनको एक बार निशाने इम्तियाज दिया, वहां का बहुत बड़ा नागरिक सम्मान है और उसकी विशेषता है कि वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पाकिस्तान के भी नागरिक को दिया जा सकता है, किसी और को भी। हमारे देश में कई ऐसे पुरस्कार हैं जो हमने नेल्सन मंडेला से लेकर तमाम लोगों को दिया है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को भी दिया है दुनिया के, भारत से बाहर के, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार दे दिया। पेशावर में जन्मे दिलीप साहब को, इस पर बंबई में तूफान मच गया। बाल ठाकरे साहब जीवित थे, शिवसेना के संस्थापक, उन्होंने कहा कि जिसने निशाने इम्तियाज हासिल किया है उसे वापस वो कर दे, तभी हिंदुस्तान में रहना होगा वरना नहीं रहना चाहिए। एक तरह से धमकी थी, लेकिन दिलीप कुमार साहब उन अभिनेताओं में नहीं थे जो महानायक बनते हैं, न जाने दशक के, सदी के, शताब्दी के कौन कौन, लेकिन घुटना टेकते हैं कॉरपोरेट के सामने और कभी नेताओं के सामने, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। दिलीप कुमार साहब ने बाल ठाकरे को उनकी भाषा में तो नहीं लेकिन उससे ज़्यादा शालीनता के साथ जवाब दिया, और वो जवाब ये था बहुत संक्षेप में कि इस तरह के बयान की कोई वैधता नहीं है कानूनी, और दूसरी बात कि वो समझते हैं कि इस तरह की धमकी में कहीं ना कहीं फासिस्ट आवाज़ है, कहीं ना कहीं एक फासिस्ट लहजा है। दिलीप साहब ने कहा कि ऐसे फासिस्ट लहजे को वो दरकिनार करते हैं, उसे खारिज करते हैं, ये जम्हूरियत के खिलाफ है, ये फेडरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और जिन्हें मालूम नहीं है किसी देश के सम्मान के बारे में वो इस तरह की बात करें, ये उचित नहीं है। पूरे जीवन में मुझे याद नहीं है कि कभी जवानी में या युवावस्था में ऐसा हुआ हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाल ठाकरे के यहाँ वो कभी नहीं गए, बड़े बड़े लोग जा करके वहाँ पर एक तरह से मत्था टेकते थे, लेकिन अपनी फिल्मी करियर के लिए या अपनी किसी भी काम के लिए वो कभी बाल ठाकरे साहब के यहाँ नहीं गए। वो एक शख्स फिल्म जगत के थे। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में बाल कैसे दिलीप कुमार साहब ने परफॉर्म किया बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जब वो सदन में आए तो उनका जो मैडन स्पीच यानी सबसे पहला स्पीच, वो जानते हैं किस बात पर था? फाइनेंस बिल पर था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो। वैसे मोशन पर उन्होंने हस्तक्षेप किया था पहले अप्रैल महीने में, लेकिन मई में, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो तारीख थी 9 मई, और 9 मई को उन्होंने एक हस्तक्षेप किया और वो बहुत दिलचस्प था, फाइनेंस बिल पर। और उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक मसलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे आर्थिक मसले उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आज मैं वित्त विधेयक पर बोल रहा हूं और इस एलोकेशन को देखकर, जो भी प्रावधान किए गए हैं वित्त विधेयक में, उसको देखकर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। जब ये बात उन्होंने कही तो चौंक गए लोग। संयोगवश मैं प्रेस दीर्घा में मौजूद था, प्रेस गैलरी में, कि ये क्या कह रहे हैं दिलीप साहब, ये तो अभिनय के आदमी हैं, ये अर्थव्यवस्था पर क्या बोलने लगे। और इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने कहा कि इस देश की मूल समस्या अगर पावर्टी है, गरीबी है, तो उसका त्रिकोण एक बनता है समाज में, और वो त्रिकोण है गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा। हमारे यहां शिक्षा को लेकर जो हालात हैं और इस वित्त विधेयक में जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो बताती हैं कि क्यों बेरोजगारी है और क्यों पावर्टी नहीं जा रही है, क्यों गरीबी नहीं जा रही है। और उन्होंने एक एक आंकड़े को उठा करके धज्जियां उड़ाई, लेकिन पूरी विनम्रता में, आज की तरह नहीं जैसा होता है, पूरी विनम्रता के साथ, एक भी ऐसा शब्द नहीं था जो गरिमा के बगैर हो, गरिमा विहीन हो। उन्होंने जो कही बात वो ये थी कि गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा तीनों जुड़े हैं। जब वो बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मैं किसी अनिल सतगोपाल या अनिता रामपाल जैसे शिक्षा शास्त्री को सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि बजट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2.4% से ज्यादा आप शिक्षा पर नहीं दे पा रहे हैं,
ये बजट प्रावधान जो है कुल मिलाकर 2.47% है, और आपने जो 3,38,487 करोड़ का प्रावधान टोटल रखा है उसमें शिक्षा पर कितना आता है, और उन्होंने आंकड़े में बताया कि 8,384 करोड़ के आसपास पड़ता है, और साक्षरता के लिए 373 करोड़ आप दे रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, तो ये कितना कम है, ऊंट में जीरे की तरह है। और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय योजना 2000 और 2001 का जो पूरा का पूरा जो आंकड़े थे सारा पेश करते हुए बड़े ठोक और बोझिल नहीं, बोरिंग नहीं, बहुत ही जीवंत ढंग से उन्होंने कहा कि शिक्षा भले ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ये नहीं समझेगी कि राज्यों की सरकारों के पास इतना धन नहीं होता है, इतना बजट एलोकेशन नहीं हो सकता, संसाधन उनके पास नहीं है कि हर राज्य शिक्षा पर उतना ही खर्च कर सके जितना कोई बहुत ताकतवर राज्य या कोई धनी राज्य खर्च करता है। इसलिए दिलीप साहब का कहना था कि केंद्र को ये पहल करनी चाहिए, केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करनी चाहिए शिक्षा पर, जिससे कि राज्यों को उनका अधिकार मिल सके, उनका वास्तविक हिस्सा मिल सके। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, और उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारों को अपनी फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। सरकारें अगर फिजूल खर्ची रोक दें तो अपने देश में शिक्षा का जो खर्च है वो अपने आप बढ़ जाएगा। हमें दूसरी जो और जो प्राथमिकताएं हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, जो प्राथमिक नहीं है। अब बड़े बड़े जहाज खरीद लिए जाते हैं मंत्रियों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, बड़े बड़े बंगलों में इतने सारे लोग, इस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर इंडिया में है वो दुनिया के उन देशों के मुकाबले जिनकी हम अक्सर आलोचना करते रहे उनसे भी ज़्यादा है। तो दिलीप कुमार साहब ने बगैर किसी की आलोचना निंदा किए हुए ये बात कही, और दोस्तों उन्होंने एक सवाल उठाया हमारी क्रय शक्ति को लेकर कि हमारी जो क्रय शक्ति कम हुई है उसके पीछे क्या कहानी है। वो भाषण मैं समझता हूं कि पढ़ने लायक है, आप सबको मैं कहूंगा कि जरूर पढ़िए, लेकिन उसके पहले मैं एक अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर मैं और कहूंगा कि उन्होंने एक बार यूसुफ सरवर खान उर्फ दिलीप कुमार साहब ने 27 अप्रैल को एक छोटा वक्तव्य दिया था, उसको इसलिए मेडन स्पीच नहीं कहा जाता है कि वो एक हस्तक्षेप था मोशन में, और उन्होंने कहा कि सदन में बातों को सुनते हुए कई बार सहजता होती है और कई बार नाटकीयता दिखती है। हमें आज मौका मिला है बोलने का, हस्तक्षेप करने का, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो इशू था इरीगेशन का। अब बताइए दिलीप कुमार जिसको ट्रेजरी किंग कहा जाता था, हालांकि मैं इस विशेषण से सहमत नहीं हूँ, वो एक महान कलाकार थे, उनके पास किसी भी विधा में किसी भी रोल में वो महान दिखते हैं, तो दिलीप कुमार साहब ने इरिगेशन पर भाषण दिया और क्या लाइवली, क्या जीवंत। उन्होंने कहा कि जनाब इरिगेशन पर बात हो रही है, ये देश का एक केंद्रीय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा की तरह या दूसरे और मुद्दों की तरह। इरिगेट अगर हमारी ज़मीन होगी तो पैदावार बढ़ेगी और बाढ़ की समस्या रुक जाएगी अगर हम जल संसाधन, जल प्रबंधन ठीक से करें। उन्होंने एक हवाला दिया कि एक बार हेलीकॉप्टर से उनके उन कई विशेषज्ञों के साथ कई और लोगों के साथ उन्होंने हिमालयन रेंज के और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया था, कोई विशेषज्ञ कमेटी थी और उसमें अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी कुछ थे, कुछ और देशों के थे, और उन्होंने देख के बताया कि किस तरह से जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक तरफ भयानक बाढ़ है और दूसरी तरफ पानी की किल्लत है। मुंबई का उदाहरण देते हुए, महानगरों का उदाहरण देते हुए कि पानी की इस भारी किल्लत में दूसरी तरफ यूपी, ईस्टर्न यूपी में और दूसरे हलकों में भयानक बाढ़। तो उनका ये कहना था कि अगर भारत में जल प्रबंधन ठीक से हो जाए तो पीने की पानी की समस्या और पूरे देश के इरिगेशन का प्रबंध हो जाएगा। और इसको उन्होंने बताया कि केवल ये मिसमैनेजमेंट है, इसको सही ढंग से आर्टिकुलेट नहीं किया जा रहा है, वरना भारत न केवल जल संसाधन, उसके पास जो इतना अतिरिक्त है, इतना एडिशनल है, उसका न केवल इरिगेशन, पूरा देश इरिगेटेड हो जाएगा, सारे खेत को पानी मिलेंगे मुफ्त के, और सारे नगर, सारे गांव, सारे कस्बे पीने के पानी के से कोई वंचित नहीं रहेगा, और प्लस
एक्सपोर्ट भी भारत कर सकता है पानी। ये उन्होंने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की रोशनी में बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चल रहे वो एक्सपर्ट्स ने ये बात कही थी जो विदेश से आए थे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनेस्टी दिखाए, ऑनेस्टी शब्द यूज किया गया था, और सिंसियरिटी दिखाए तो ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है योजनाओं के तहत, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। दिलीप कुमार साहब ने केवल, मैं दो बातें कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, कि इरीगेशन और शिक्षा जैसे वित्त विधेयक जैसे प्रश्न पर ये बातें कही थी दोस्तों। तो आज उस दिलीप कुमार को मैं अपना सलाम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो एक न केवल अभिनेता थे, एक महान मनुष्य थे, एक महान मानवतावादी थे। उनके अंदर की मनुष्यता उनको महान कलाकार बनाई, उनके अंदर की मनुष्यता ने उनको एक जागरूक इंसान बनाया। ऐसे इंसान को मैं सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।